आज की जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन सुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। 2 अक्टूबर को जब ये जन सुराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं, जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे।